कहते हैं अच्छे समय में तो आपके साथ हर कोई होता है, लेकिन कौन आपका अपना है ये बुरे समय में पता चलता है। शायद कोरोना महामारी एक ऐसा ही बुरा दौर है जिसमें अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं। एक ऐसा ही इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला कानपुर से सामने आया है, जिस माँ ने बेटे को 9 महीने गर्भ में रखा और जन्म देने के बाद हर कष्ट को सहकर उसे पाला। उस बेटे ने कोरोना संक्रमित होने के शक पर माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। कलयुगी बेटे ने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बेबस लाचार बुजुर्ग महिला तेज धूप में घंटों सड़क पर पड़ी रही। पुलिस ने महिला को उर्सुला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अपनों की बेरुखी का शिकार बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, ये कहानी किसी गरीब और अनपढ़ परिवार की नहीं है। दरअसल 62 साल की बुजुर्ग महिला के पति श्याम यादव लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर्ड थे। कुछ सालों पहले ही उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद राज लक्ष्मी अपने बेटे विशाल के साथ रह रही थी। पिछले कई दिनों से राज लक्ष्मी को बुखार आ रहा था, आज सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कोरोना संक्रमित होने की आशंका के चलते उनके बेटे विशाल ने उन्हें अपनी बहन के घर के बाहर छोड़ दिया। बेटी और दामाद ने भी बुजुर्ग महिला का ना तो इलाज कराया और ना ही घर में जगह दी। शारीरिक रूप से लाचार महिला सड़क किनारे लेट गई। तेज तपती धूप में वो घंटों लेटी रही। जब स्थानीय लोगों ने उसका वीडियो वायरल किया तो पुलिस मौके पर पहुंची। चकेरी पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर महिला को हैलट अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। देखिए, थाना चकेरी का एक मामला है जिसमें एक महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो एक बीमार हालत में अपने घर के सामने पड़ी हुई थी। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना चकेरी पुलिस द्वारा इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि यह महिला बीमार है गंभीर रूप से, और इसके पुत्रों ने इसको अपने घर के बाहर निकाल दिया है और ये सड़क पर चादर ओढ़ के लेटी हुई थी। तत्काल पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर इसको उर्सुला अस्पताल में भर्ती करवाया। बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस महिला की वहाँ पर डॉक्टरों के तमाम प्रयास के बावजूद भी मौत हो गई। हम लोग जो इसके पुत्र हैं उसके खिलाफ विधिक धाराओं में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।